हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट, जो भी नीट एस्पायरेंट 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, वो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको इंस्पायर्ड भी करेगा और आपको आपके गंतव्य स्थान, इट्स मीन योर गोल तक भी बहुत जल्द पहुंचाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे और आप हमेशा मोटिवेट होते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास टाइम कितना है, हाउ मेनी टाइम इन आवर हैंड। हमारे पास अब समय कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि अब समय जो है वो बहुत ही तेज गति से निकलते जा रहा है। अब जो समय है, अब मान के चलिए कि आपके पास समय ना के बराबर है, आपका एग्जाम कल है, आप उस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वी नो दैट कि हम लोग का एग्जामिनेशन जो है वो मई में होता है, और आई थिंक कि इस बार आपका मई में ही एग्जामिनेशन हो जाएगा और जैन या फेब तक आपके जो फॉर्म्स आते हैं नीट का, वो आ जाएगा। नीट के फॉर्म भरने के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचता है और उस समय से आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करने लगते हो। लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे इस बार नीट देना है और सोच रहे हैं, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे बहुत कम लोगों को देखा गया कि निकाल पाते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी कड़ी मेहनत होगी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी प्लानिंग क्लास 11th से ही शुरू हो जाती है। क्लास 12th में आने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेहनत कुछ ज़्यादा करने पड़ते हैं और वो क्लास 12th बोर्ड्स भी होता है, तो बच्चे लोग को दोनों को मैनेज करते हुए चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने किया है। आपने कई ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, मैंने 12th में बहुत अच्छी मेहनत की, मैंने इतने समय में बहुत मेहनत की। यानी उनका एक प्री प्लानिंग था, प्री प्लानिंग स्ट्रक्चर था, उनके रूटीन सही थे, उनके सभी कुछ सही थे। तो हम लोग कैसे इस रूटीन को बनाएंगे, हम लोग कैसे इसे करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12th में होइएगा, आप समय नहीं है, आपके फेब में बोर्ड्स हैं, और बोर्ड्स देने के बाद आपके पास जो समय है वो मात्र 2 महीना बचता है। इट्स मीन फेब में आपके जो बोर्ड्स होंगे वो 15 दिन तो आपको जरूर खा जाएंगे, और उसके बाद आपको बचेगा मार्च और अप्रैल, ये 2 महीना, 2 से 2.5 महीने के समय में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो भी नॉलेज है, जो हमने 11th में लिया है, या फिर मैं अभी जो 12th में ले रहा हूँ आपके लिए, मैं ये बता रहा हूँ, जो अभी मैं 12th में ले रहा हूँ, उसको आप लोग बारीकी से हर एक चीज़ को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए संडे बेसिस पे। जो भी आपके कंटिन्यूअसली क्लास चलते हैं उसे करते रहिए, साथ में स्ट्रेटेजी ऐसा बनाइए कि उस सब चीज़ों को रिवीजन भी करें, क्योंकि रिवीजन जो चीज़ें होती हैं वो परफेक्ट बनाती है आपको। अगर आप केवल पढ़ते जाओ और पीछे से प्रैक्टिस नहीं करो तो फिर बेकार हो जाता है, बिकॉज बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप DPP रेगुलर मारते रहो, जो भी नीट्स के, मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप एक ऐसा बुक लो जिससे आप रेगुलर पढ़ते रहो, और खास करके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं वो उसको आप अटेम्प्ट करते रहो, चाहे जो भी हो, MTG का, फिंगर टिप्स का, या जो भी आपको बेहतर लगे, अरिहंत पब्लिकेशंस का, या जो भी बेहतर लगे उसे आप एक प्रीवियस ईयर के सैंपल्स पेपर, या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, मिनिमम 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस है उसे आप अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद आप रियलाइज कीजिए कि मेरा क्या है। जैसे उन लोगों का जो उन्होंने एग्जाम दे दिया, आखिर यही क्वेश्चंस के अटेम्प्ट देने के बाद ही तो उनका रिजल्ट आया है। तो ये जितने भी अटेम्प्ट उन्होंने दिए हैं, ये सब में अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट दीजिए, देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है 720 में। अगर कम आ रहा है तो किस पोर्शन में कम आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि नाउ अब आपके पास टाइम है बहुत कम, अब लग जाइए जी जान से। आपकी स्टडीज यही होनी चाहिए कि आप फालतू की चीज़ों में ना पड़े, जो भी गैजेट्स है, जो भी मोबाइल्स वगैरह में जितने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, ये सब आप कम कीजिए और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब आने के बाद हमारे माइंड से स्टडी का स्ट्रेटेजी निकलते जाता है और हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। लेकिन जिस समय आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिएगा, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, देखिए धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और जिस दिन इंटरेस्ट जग गया उस दिन आपके सक्सेस के लिए किसी को पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप खुद सक्सेस हो जाओगे और आप अपने आप को जल्दी प्रूव कर लोगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पास सबसे पहली बात कि समय बहुत कम है, इस समय को अब यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। 2023 के अटेम्प्टर जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, आप ये ख्याल रखिए कि आपका मई में एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके माध्यम से आपके पास बहुत कम समय है। बोर्ड्स भी आपको देखने हैं, कई स्टूडेंट का बोर्ड्स आसानी से निकल जाता है, कई मेहनत करते हैं, कुछ इतना डीप स्टडी करते हैं कि वो बोर्ड पे भी ध्यान नहीं देते, तो उनको बोर्ड पे भी ध्यान देना बहुत
बहुत जरूरी है बोर्ड्स की। सबसे पहले बोर्ड्स में हमारे 60% आएंगे तभी हम लोग एलिजिबल हो पाएंगे उस अटेम्प्ट देने के लिए और उस फॉर्म को भरने के लिए, नहीं तो फिर मुश्किल है, वो फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा नीट का। तो फर्स्ट थिंग कि समय कम है, सेकंड थिंग कि आपको अच्छे से बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना, और साथ साथ में आपकी स्ट्रेटजी 2023 की है तो आपको नीट्स के भी प्रिपरेशन को साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे इक्वल ध्यान देने पड़ेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसे आप थोड़ा कम भी समय दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जो सबसे वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उस क्वेश्चंस को बनाइए, सॉल्व कीजिए, दूर मत भागिए, क्योंकि दूर भागिएगा तो जितना ज़्यादा दूर भागिएगा उतना ज़्यादा दूर भागते चले जाइएगा और वो फिर आपके हाथ कभी भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी बातें तो हो गई, अब कम से कम एक जो प्रैक्टिस सेट होता है यानी एक जो क्वेश्चन 180 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बनाने होंगे पर डे। आप समय निकाल लीजिए 3 घंटा 20 मिनट का और या फिर 3 घंटे का और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि मैं ये सारे सेट को या जो मैं प्रत्येक दिन एक सेट जो मारूँ ये कितने समय में मारूँ और कितना मुझसे ये सही हो रहा है, मैं कितने क्वेश्चंस को सही मार पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस को गलत मार पा रहा हूँ। अगर आपका 720 मार्क्स में से 500 प्लस आ रहा है, 600 प्लस आ रहा है, इतना स्कोरिंग करें तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगा। अगर 120-100 आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत है, मेहनत कीजिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगा इस बार, ठीक है? क्योंकि देखिए कंपटीशन रेगुलर बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपटीशन का कोई तोड़ नहीं है, कंपटीशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द प्रीवियस ईयर, ठीक है? हमेशा कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इस बार अप्रॉक्स 20 लाख स्टूडेंट बढ़े तो डेफिनेटली अगले साल कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, वो तो अब नंबर ऑफ कैंडिडेट के अपेयरिंग होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो 18 से 20 लाख थे उसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ होगा, 2-3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन बाकी और जो बच गए वो क्या करेंगे, फ्री अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देंगे। कुछ बच्चे लोग हैं जो छोड़ दिए होंगे 5th और 6th अटेम्प्टर तो उसमें से भी कुछ घटेगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए क्योंकि इस बार भी तो अच्छे निकलेंगे और इस बार भी तो फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कड़ी मेहनत कीजिए कड़ी लगन के साथ और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसे दूर कीजिए अब, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू एलिमिनेट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डिस्टर्ब यू। ऐसी चीजों को एकदम दूर कीजिए जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों लोग भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके का मोटिवेशन और अपडेट आपको मिलते रहे। और मैं बहुत जल्द स्ट्रेटजी के भी बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्ट्रेटजी डाल दी है, मैं सेकंड स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा, जो स्टूडेंट 11th में 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करें मैं ये सब बातें करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।